हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग सेफ है या नहीं है गाइस? जो भी लोग बिगिनर होते हैं उनका तो ये क्वेश्चन होता ही है कि भाई अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमारे लिए सेफ है भी या नहीं है। तो गाइस इसकी हम डिटेल्ड में बात करेंगे, तो चलिए गाइस इस वीडियो को करते हैं हम शुरू। सो गाइस मैं आपको एक छोटा सा डेटा बताता हूँ। इंडिया में लगभग इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ के समथिंग है और इस पॉपुलेशन में से लगभग 4 करोड़ लोग ही ऐसे हैं केवल जो ट्रेड करते हैं बेसिकली। या फिर मैं अगर आपको और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो इन 4 करोड़ में से 2 करोड़ अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बस डीमैट अकाउंट अपना क्रिएट करा लिया है, ना उन्होंने अब तक कोई इन्वेस्टमेंट किया है ना ही वो ट्रेड कर रहे हैं। बेसिकली डीमैट अकाउंट उनके इनएक्टिव पड़े हैं और ओनली 2 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो ट्रेड कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ये तो गाइस बात हुई शेयर मार्केट के ऊपर। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। तो गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट गाइस ये ट्रूथ है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 100 लोग ट्रेड करते हैं तो 100 में से 95% लोग लॉस खा के जाते हैं। ओनली 5% लोग ही ऐसे होते हैं जिनको प्रॉफिट मिलता है। और इनको ये प्रॉफिट कहां से मिला? जो 95% लोग यानी कि 100 में से 95 लोगों ने लॉस खाया है उनका पैसा इन 5% लोगों के पास आ जाता है या इन 5 लोगों के पास आ जाता है। सो गाइस सुन के आपको थोड़ा सा शॉक लगा होगा कि भाई ये है क्या, तुम हमें डीमोटिवेट कर क्यों रहे हो, तो बट ये फैक्ट है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये 95% या फिर ये 95 लोग कौन है, तो गाइस ये वो लोग हैं जिनको पूरी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, इंट्राडे ट्रेडिंग की, बट वो ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम पर मिलती है। और ये 5% लोग वो हैं जिनको मार्केट का चार्ट समझना आता है, जो ग्राफ को देख के एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर वो ट्रेड करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। सो ये वो लोग हैं। सो गाइस अब बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग सेफ है या नहीं है। सो अगर मैं आपको एक वर्ड के अंदर बताऊं तो भाई इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में पूरी तरह सेफ है, बट ओनली अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में एक एक्सपर्ट है तो। If you are an expert, then it will be profitable to you and it is completely safe. But guys, अगर आप beginner हैं तो मैं 100% sure कह रहा हूँ कि ये आपके लिए unsafe है भाई, directly मत जाइए intraday trading के अंदर। आपको धीरे धीरे experience लेना है, चीज़ें समझनी है, कहीं से भी समझिए, किसी भी source से समझिए, चीज़ों को बस समझिए और समझने के बाद फिर try कीजिए। तो अब आप बोलेंगे कि भाई हम समझेंगे मतलब try करेंगे कैसे, आपने तो पहले ही बोल दिया unsafe है और unsafe है तो फिर हम क्यों काम करें। तो देखो ऐसा है कि जब कोई भी बिगिनर आता है तो उसको पहले चीज़ें समझ में आनी चाहिए, पहले थ्योरी क्लियर करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्लियर करिए और फिर जाके ट्राई करिए। तो गाइज आप थ्योरी कैसे क्लियर करेंगे? बहुत सारे सोर्सेज है, गूगल के ऊपर देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद बहुत सारी वीडियोज है जिसमें लोगों ने लाइव ट्रेडिंग, लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करके दिखा रखी है, आप उसको देखिए, उसमें से ट्रेंड देखिए कि वो लोग कैसे पिक कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा आउटपुट है, सारी चीज़ें समझिए। और उसके बाद गाइज छोटी छोटी ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए, 30-35 देखिए आप, 30-35 ट्रेड करिए, छोटी छोटी करना है आपको। और उनके अंदर आप देखिए कि आपका एनालिसिस कितने परसेंट ठीक रहता है। अगर वो ठीक है आपका, मतलब अगर आप 100% ठीक है तो भाई फिर तो आप पैसे कमा सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आपके लॉजिक, आपका एनालिसिस परफेक्ट नहीं है तो फिर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये गाइज बात हुई इंट्राडे ट्रेडिंग की, सेफ और अनसेफ की। तो अगर गाइज मैं आपको बताऊं, अगर आपको बेसिकली सर्वाइव करना है ना इंट्राडे ट्रेडिंग में, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, क्विक जजमेंट। सो अगर मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊं तो गाइज हमारा मार्केट जनरली 6 आवर्स के लिए ओपन होता है, जिसके अंदर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, ट्रेड भी करनी पड़ती है, प्रॉफिट भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, राइट? और जो बहुत कम है, और मार्केट का गाइज ट्रेंड चलता है वो हर 1 मिनट के अंदर चेंज होता है, अप जाता है, लो आता है। सो आपको लाइक ईगल बाज की तरह देखना है मार्केट को, यानी कि कब मार्केट अप गया, कब आपको अपनी ट्रेड को क्लोज करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। सेकंड पॉइंट आता है डिसिप्लिन। सो गाइज मैं अगर आपको एक छोटा सा डेटा और बताऊं तो गाइज जो मोस्टली लोग हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं वो अपनी फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही, यानी कि डे की फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही प्रॉफिट कमा जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मंथ डेज, मतलब महीने के मोस्टली डेज के अंदर वो लोग अपनी फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही पैसे कमा जाते हैं, बाकी में क्या होता है? तो गाइज बाकी में वो लॉस खाते हैं बाकी डेज में। आप बोल रहे होंगे भाई क्या मजाक कर रहे हो, बट ये ट्रूथ है, आप गूगल पे जाके भी देख सकते हैं, ये चीज चेक कर सकते हैं। तो अब वो कैसे बेसिकली लॉस क्यों खाते हैं? सो एक छोटा सा गाइस रीजन होता है, मैंने इसलिए बताया कि आपको डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट
मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको जब काम करेंगे तो आपको एक अपनी लाइन बेसिकली सेट करनी पड़ेगी कि अगर आपको पर डे 1,000 कमाने, 1,000 का प्रॉफिट लेना, तो आप उसके बाद ट्राई नहीं करेंगे। तो अब गाइस ज़्यादातर लोग यहाँ पर गलती करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग में ट्रेड की, आपने पैसे कमा लिए, उसके बाद होगा क्या कि आप चाहेंगे कि भाई मैं और प्रॉफिट अर्न करता हूँ, और प्रॉफिट लेने के चक्कर में आप मार्केट को देखोगे ही नहीं सही से कि क्या प्राइस चल रहे हैं और क्या, और आप लग जाओगे, और लगने के चक्कर में आपके लग जाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। सो आपको बेसिकली एक रूल बना के चलना है कि आपको इतना काम करना है और प्रॉपर इस तरीके से करना है, तभी आप बेसिकली सर्वाइव कर पाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। और गाइज अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है मत आइए, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो जाएगा, और गाइज उस लॉस का डायरेक्टली आपके हेल्थ के ऊपर, आपके मेंटल लेवल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हम 100% श्योर, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि यार आपके पैसे बेसिकली आपका लॉस हो रहा है ओवरऑल, तो आपका लॉस होगा तो आपकी हेल्थ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आएगा और आपके मेंटल लेवल के ऊपर भी आने वाला है। सो सबसे पहले चीज़ों को समझ लीजिए, बिगनर है तो ट्राई मत कीजिएगा, सबसे पहले सीखिए इसको, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब मिनिमम आप 2-4 महीने लगा सकते हैं, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी सारी, और उसके बाद ट्राई कीजिए, और उसके बाद अगर आप एक बार एक्सपर्ट बन जाते हैं तो फिर आपके लिए चीजें नॉर्मल होगी, आप एक दिन प्रॉफिट भी कमाएंगे, लॉस भी खाएंगे आप, तो सारी चीजें आपके लिए बैलेंस होकर चलेगी, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप बिगिनर है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की आपको समझने में कि शेयर मार्केट सेफ है या नहीं है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग सेफ है या नहीं है, सो अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प रियल में हुई है, तो गाइज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड अप विद एडोवानी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।